जी सलाम अलैकुम मोहम्मद जान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मोहम्मद जान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब है जी जी, वो एक ट्रू मुस्लिम है, क्या आप उनको भी ट्रू मुस्लिम समझते हैं या नहीं? मैं उनको एक शरारती मुस्लिम समझता हूं, और मुसलमानों में भी शरारती लोग हो सकते हैं। वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो उम्मत के अंदर दफन हो चुके हैं, और पुराने कुतुब उठाकर देखें, अल इंसान मुरक्कब अनल खताए वल नसियान, तो जो हमारे उलमा गुजरे हैं, जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उनसे गलतियां हुई हैं, खामियां हुई हैं, उनसे कोई एक आध खामी जहां उन्होंने 90% अच्छे काम किए हैं, तो वहां पे उन्होंने मतलब कुछ उनसे खामियां भी हुई, गलतियां भी हुई हैं। वो पैगंबर थोड़ी थे कि हम उनको पैगंबरों की तरह लें कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गलती नहीं हो सकती, वो मासूम अनिल खता है। तो उम्मत में तो ऐसा नहीं होगा ना, कहीं ना कहीं कोई गलती होगी। तो आप उनके 90% अच्छे कामों को छोड़कर उनकी एक बात किताब में से निकालते हैं और लोगों को उनसे मुतनफर करते हैं। आप समझते हैं सर, सारा का सारा दिन जो है वो उससे एतबार उठ जाएगा लोगों का, अगर सब उलमा से एतबार उठ गया। आप दीन कहाँ से लेके आ रहे हैं? आप ज़रा ये बताएं मुझे कि आप दीन ला कहाँ से रहे हैं? उन्हीं की कुतुब से ला रहे हैं, वही एक सिलसिला चला रहा है 1400 साल से उम्र का, उम्मत का तवातुर चला रहा है। तो आप उसको तस्लीम करें और लोगों को तकसीम ना करें। ये आपने, मैं ये समझता हूँ, मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से कह रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना वीडियो चैनल चला रहे हैं, और आप एक शरारती आदमी हैं, और आप मुल्क के अंदर जो है ना वो अवामुन नास का एतमाद उलमा पर से ख़त्म करना चाह रहे हैं। मामू जान, गवर्नमेंट को उन पर बैन नहीं लगाना चाहिए कि वो इस तरह की बातें करते हैं? नहीं, गवर्नमेंट को बैन लगाने की क्या जरूरत है? उनको तो ऐसे बंदे चाहिए जो इन बहसों के अंदर लोगों को उलझाए रखें और गवर्नमेंट के कामों पर से के लोगों का ध्यान बने ही ना उन पर, वो देखे ही ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट को तो ऐसे शरारती लोग चाहिए होते हैं जो कि मुल्क के अंदर जो है ना वो हल्के हल्के इंतशार की फ़ज़ा कायम करते रहे, लोग बहस के बहसों मुबहसों में उलझे रहे, और वो सही जो सिमत है जहाँ पे तवज्जो मरकूज़ करने की जरूरत है उस तरफ ना आए। मगर इससे लोग जो है ना वो इस्लाम से दूर हो रहे हैं, मगर ये तो है ना जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हुकूमत को, लोगों को इस्लाम नहीं चाहिए। आपका पूरा पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अगर कहे कि हमें इस्लाम नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट कहेगी कि हम इस्लामी जमहूरिया हटा देते हैं। गवर्नमेंट को इस बात से कोई गर्ज नहीं है क्या मुसलमान हैं या नहीं है, तो उनकी कौन सी आप नमाजों की वीडियो देखते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय का इजहार किया। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।